अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नर्सरी क्लास में आपकी उर्दू की टीचर, टीचर रुखसाना। और आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर है 6। इस लेक्चर में हम बच्चों रीडिंग करेंगे हर्फ बे की। ये है बे, जिसके नीचे एक नुक्ता है, ये है बे। तो आइए रीडिंग करते हैं। सबसे पहले बे की। बे से बकरी, बे से बिल्ली, बे से बस, बे से बंदर, बे से बाजा। रीडिंग करने के बाद बच्चों यहाँ पे देखिए नीचे हरूफ लिखे हुए हैं, इसमें आपने बे को ढूंढना है और उसके गिर दायरा लगा देना है, यानी कि सर्कल कर देना है। जिसके नीचे एक नुक्ता है वो है बे। ये देखिए, ये बे है, इसको सर्कल कर दें। एक बे ये है, इसको सर्कल कर दें। और एक बे ये है, इसको भी सर्कल कर दें। आगे हम बच्चों पे की रीडिंग करते हैं। पेज नंबर है हमारा यहाँ पे 11 और ये है पे। यहाँ पे आपने पे की ट्रेसिंग करनी है, जिसके नीचे 3 डॉट्स है, ये पे है। पे से पपीता, पे से परिंदा, पे से पानी, पे से पाँव, पे से पौधा। रीडिंग करने के बाद यहाँ पे भी बच्चों हरूफ लिखे हुए हैं, जिसके नीचे 3 डॉट्स हैं, वो पे है। इसको आपने ढूंढना है और उसके गिर सर्कल करना है। ये देखें, ये है पे, इसको सर्कल कर दें। एक पे ये है, इसको सर्कल कर दें। और एक पे ये है, इसको सर्कल कर दें। अब बच्चों ये हमारा डे नंबर 2 है और डेट है हमारी 16 मार्च। ये हर्फ बे है और बे से बकरी है, आपने बकरी में कलर्स कर देने हैं। और ये है हर्फ पे, जिसके नीचे 3 डॉट्स हैं, ये है पे। पे से पतंग, आपने फिर पतंग में भी कलर्स कर देने हैं। ये बच्चों हमारा रिटन पेज है, इस पेज में हम लिखेंगे बे और पे। तो सबसे पहले बच्चों हम बे लिखना सीखेंगे। ये है बे, जिसके नीचे 1 डॉट है, ये बे है। सबसे पहले बच्चों आपने यहाँ पे डॉट पे पेंसिल रखनी है। डॉट पे पेंसिल रख के आपने स्लाइड करना है, यहाँ लाइन तक लेके आना है और फिर सीधा आगे लेके जाके आपने फिर ऊपर की तरफ लेके जाके यहाँ पे पेंसिल रोक देनी है और इसको बंद कर देना है। और यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे तो ये लिखा जाएगा बे। ये हमारा लिखा गया बे। बे के बाद हम लिखेंगे पे। ये पे है, बिल्कुल बे की तरह है, लेकिन इसके नीचे 3 डॉट्स से ये पे बन जाएगा। ये भी बे की तरह हम लिखेंगे। सबसे पहले हम डॉट पे पेंसिल रखेंगे, स्लाइड करके लाइन तक लाएंगे और लाइन से सीधा आगे लेके जाएंगे और फिर यहाँ ला के इसको ऊपर की तरफ लेके जाके यहाँ पे बंद कर देंगे और इसके नीचे 3 डॉट्स लगाएंगे और ये लिखा जाएगा पे। हमने लिखा है बे पे। आपने भी इसी तरह लिख के सारे पेज को कंप्लीट करना है और फिर बे से बादल में कलर्स कर देने हैं और पे से पतंग में कलर्स कर देने हैं।